जनपद संभल के चंदौसी में अयोध्या में पीएम के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद दीपोत्सव मनाया गया। काफी वर्षों के बाद लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सारे देश को इंतजार था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पहुंचकर राम मंदिर की भूमि का पूजन करके देश को वो सौगात दी जिसका देश को काफी समय से इंतजार था। प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन करने के बाद सारे देश में दीप जलाकर और आतिशबाजी करके दीपावली से पहले ही दिवाली मनाई गई, जिसमें जनपद संभल के चंदौसी में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष रोड पर स्थित मंदिर में दीप प्रज्वलित कर राम आरती भी की, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद भी सम्मिलित हुए। राम आरती के बाद लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। ऐतिहासिक दिन है जो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? आज का दिन हमारा एक विश्वास का दिन है, आज का दिन हमारी श्रद्धा का दिन है, ये दिन हमारी निष्ठा का दिन है और ये बहुत बड़ी प्रतीक्षा का दिन है जो आज ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर ने अपने निमित्त पूरा किया है। हम सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, गौरवान्वित हैं और हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि 500 वर्ष के बाद आज ऐसी खुशी की घड़ी आई है जिसमें माननीय मोदी जी का एक अपना अमर इतिहास बना है कि उनके माध्यम से ये कार्य हमारा संपन्न हुआ राम मंदिर निर्माण का। देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि हमारे राम जी जो हमारे रग रग में समाए हुए हैं, हमारे चित्तवृत्ति में समाए हुए हैं, जो एक भाई के रूप में आदर्श भाई, पति के रूप में एक बहुत ही एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, पुत्र के रूप में पिता की आज्ञा को मानने वाले, जनता और राजा के रूप में जनता की हर भावनाओं का सम्मान करने वाले, संसार में जितने भी संबंध हैं सभी संबंधों को एक उत्कृष्ट रूप से निभाने वाले हमारे भगवान राम, जिस तरह से आज उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है वो हमारे जीवन बने हुए हैं, हमारे जीवन का आधार बने हुए हैं, उन्हीं के बताए हुए हमें कार्यों पर चलना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम समाज में और परिवार में अच्छा जीवन जी सकें, आदर्श का जीवन जी सकें, मर्यादा का जीवन जी सकें।